students, how you all today I'll teach you computer. Okay, so open your books and chapter number 1. Have you done? Okay, chapter number 1 is computer hardware and software. Do you know about hardware and software? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर. दैट व्हाट इज द यूजेस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है. ठीक है, ओपन पेज नंबर 2. कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो. कि बहुत सारे पर्पस में कंप्यूटर काम आता है, like storing information store करने के लिए, typing letters, letter type करने के लिए, painting, paint करने के लिए, chatting with friends and family, और friends and family के साथ chatting करने के लिए, performing calculations like mathematical problems होती है उनको calculate करने के लिए, like addition करना, subtraction करना, multiply, division, और भी बहुत सारी calculations. ठीक है, इसमें यूज आती है ये कंप्यूटर्स का, म्यूजिक प्ले करने में और गेम्स प्ले करने में, वॉचिंग मूवीज, कार्टून्स और वीडियोज. डू यू लाइक कार्टून्स? यस. सो वॉचिंग मूवीज देखने में, कार्टून्स देखने में और वीडियोज देखने में भी कंप्यूटर यूज होता है. सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, और कोई भी जिससे हमें इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के बारे में, किसी से भी रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम इसे इजीली कंप्यूटर पर सर्च कर सकते हैं. ओके, कंप्यूटर्स आर, अब ये तो हो गया कि इनकी पर्पस में काम आती है. अब आता है कि कहाँ कहाँ हम काम में ले सकते हैं इसको, किन किन जगहों पर काम आती है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन सेवरल प्लेसेस, कि कंप्यूटर बहुत सारे प्लेसेस में वर्क करता है, सच एज रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन पे आपको ये देखा होगा, जब हम टिकट्स लेने के लिए जाते हैं, टिकट्स लेने के जाते हैं तो वो जो टिकट विंडो पर जो बैठे हुए होते हैं, जो पर्सन बैठा हुआ होता है, उसके पास एक कंप्यूटर होता है. ठीक है, तो वहाँ पर काम आता है. लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरीज में जाते हैं तो वहाँ पर भी कंप्यूटर्स होते हैं. बैंक्स में, सुपर मार्केट्स में, एयरपोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में. अब यहाँ पर कंप्यूटर्स का वर्क क्या क्या होता है, सबसे पहले रेलवे स्टेशन में. रेलवे स्टेशन में क्या वर्क होता है इसका, फॉर बुकिंग टिकट्स एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन सच एज अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स ऑफ ट्रेन्स, नंबर ऑफ सीट्स एक्सेट्रा. कि टिकट बुक करवाने के लिए और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, कि ट्रेन का अराइवल टाइम क्या है, कितने बजे आएगी, एंड डिपार्चर टाइम मतलब कितने बजे जाएगी, उसका टाइम इन्फॉर्म स्टोर करने के लिए, और नंबर ऑफ सीट्स रिजर्वेशन के लिए सीट्स नंबर जो होते हैं वो भी कंप्यूटर के अंदर ही सेव रहते हैं. लाइब्रेरी में फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट बुक्स, बुक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कहाँ यूज किया जाता है, लाइब्रेरीज में. बैंक्स में फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन सच एज कस्टमर डिटेल्स, अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. किसके बारे में डिटेल्स स्टोर करने के लिए, कस्टमर के बारे में डिटेल्स स्टोर करने के लिए, अकाउंट के बारे में, अकाउंट में जितना भी मनी का ट्रांजेक्शन होता है उसको स्टोर करने के लिए, एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, और जितनी भी जो ट्रांजेक्शन के बारे में जितनी भी कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए. ओके, तो अभी हमें कहाँ कहाँ पढ़ा, रेलवे स्टेशन पे, लाइब्रेरी में एंड बैंक में. फोर्थ वन इज सुपरमार्केट. सुपरमार्केट में जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे इसके लिए होता है फॉर जनरेटिंग बिल्स. हमें जो बिल पे करना होता है उसके लिए कंप्यूटर का यूज होता है. एयरपोर्ट्स में फॉर बुकिंग टिकट्स एंड स्टोरिंग फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सच एज अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, नंबर ऑफ सीट एक्सेट्रा. इसमें भी लाइक ट्रेन्स की तरह, रेलवे स्टेशन की तरह से यूज होता है, वैसे एयरपोर्ट में होता है कि टिकट बुक करवाने के लिए या फिर फ्लाइट कितने बजे आ रही है, कितने बजे डिपार्चर होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एयरपोर्ट पर यूज होता है कंप्यूटर का. हॉस्पिटल्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. कि हॉस्पिटल्स में यूज होता है पेशेंट के बारे में रिपोर्ट स्टोर करने के लिए, और जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर
को स्टोर करने के लिए. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है यूजेस ऑफ कंप्यूटर. व्हाट इज द यूजेस ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर आर यूज्ड इन सेवरल फॉर सेवरल वर्क्स, फॉर सेवरल यूज पर्पसेस एट सेवरल प्लेसेस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्यूटर? स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, टाइपिंग लेटर्स, पेंटिंग, चैटिंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, playing music and games, watching movies, cartoons and videos, and searching for information. Then, and which places computer are used in? Several places like railway station, libraries, bank, supermarket, airport, and hospitals. Okay? Now, come to the second point. Second point is computer system, hardware and software. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है. तो देखिए, ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स दे वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम. कि कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स का होता है. आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में सीपीयू होता है, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर्स. ठीक है सर, प्रिंटर भी अटैच होता है, बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं. तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है. ठीक है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं पूरे कंप्यूटर सिस्टम में. द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर. अब हम इनको क्या करेंगे, इतने सारे तो हम कैसे डिवाइड करेंगे इतने सारे को, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर. तो इनको हमने टू कंपोनेंट्स, टू मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है. तो टू मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, इनको हम इनके वर्क के अकॉर्डिंगली हार्डवेयर वाली जो कंपोनेंट्स है वो एक वर्क करेंगे और सॉफ्टवेयर वाले कंपोनेंट्स सेम वर्क करेंगे. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सबसे पहला है हार्डवेयर. द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील आर कॉल्ड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर. की कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड हार्डवेयर. लाइक मॉनिटर, मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, राइट? माउस, माउस को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि वो कैसा है. कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं. तो दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर, जिनको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर. सम पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज द सीपीयू आर एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स कॉल्ड अ सीपीयू कैबिनेट. कि कुछ पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के सच एज सीपीयू, जैसे सीपीयू है, वो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का आप देखा होगा एक बॉक्स होता है, इस टाइप का बॉक्स, इस टाइप का बॉक्स होता है. उसमें एक बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स को बोलते हैं सीपीयू कैबिनेट. क्या बोलते हैं उस बॉक्स को? सीपीयू कैबिनेट. कंप्यूटर कीज आर जस्ट केस एंड कैन नॉट बी सीन अंटिल वी ओपन द केस. और जो उसमें जितना भी सीपीयू कैबिनेट के अंदर जो केस होते हैं, जो कि वायर लगे हुए होते हैं, जो हार्डवेयर वगैरह लगे हुए होते हैं, उनको हम कब तक नहीं देख सकते जब तक हम उसको ओपन नहीं करके देखेंगे. ठीक है, जब उसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा वो सीपीयू, इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट. सीपीयू कैबिनेट के जो अंदर का जो केसेस है उसमें कंप्यूटर केस है वो हमें दिखाई दे जाएंगे. ठीक है, सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज अ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड प्रिंटर आर विजिबल एज दे आर लोकेटेड आउटसाइड द कंप्यूटर केस. कि सम अदर पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर के, जैसे कि मॉनिटर है, सीपीयू, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर एंड प्रिंटर आर विजिबल. वो हमें नॉर्मली दिखाई देते हैं, कंप्यूटर देखेंगे तो हम सबसे पहले वही दिखाई देंगे. Why? Because they are located outside from the CPU. क्योंकि वो CPU के अंदर located नहीं है, वो CPU के बाहर है. The hardware devices of a computer can be further classified into four following four categories. वो हम
डिवाइस या कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इट्स कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इसका एग्जांपल है एक कीबोर्ड। फर्स्ट क्या है कीबोर्ड, अब कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कैसे है, सर हां जी कीबोर्ड है। कीबोर्ड में हम जब तक आप उसमें कंप्यूटर के अंदर देख नहीं सकते, मॉनिटर के अंदर देख सकते, जब तक आप कीबोर्ड उसमें इनपुट नहीं करोगे, जिस लाइक आपको अपना अल्फाबेट सीखना है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे अपन ए फोर, एप्पल अपन को चाहिए मॉनिटर पे शो में। तो फर्स्ट अपन कीबोर्ड में से ए फोर एप्पल, की ए जिस की पे ए लिखा हुआ है उसको प्रेस करेंगे। उसको प्रेस करते ही वो कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे शो होने लग जाएंगे अपन को, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसको इनपुट दिया। इनपुट आपने कैसे दिया, की ए पर प्रेस करेंगे। एक कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स नंबर कमांड्स, जस्ट लाइक अ कीबोर्ड टाइप लेटर्स टाइप करने में, कमांड्स टाइप करने में और नंबर्स टाइप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अ माउस, माउस में भी सेम यही है कि माउस इज यूज्ड टू पॉइंट एट द डिजायर्ड लोकेशन और सेलेक्ट एन ऑप्शन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज आल्सो यूज्ड टू ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्रॉ समथिंग ऑन द स्क्रीन। जो माउस होता है, माउस का कर्सर का साइन ये होता है, कीबोर्ड, सेकेंड इज माउस, थर्ड इज
microphone. Fourth is scanner, and fifth is battery. Okay, next is output device. Output device कौन से होते हैं? Output device हैं जिसे इनसे हम सभी ने input किया. Computer, keyboard से हम input करते हैं, mouse से input करते हैं. Input करके जो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? Monitor पे दिखाई दे रहा है. Monitor आपको क्या दे रहा है? Output दे रहा है, आपको दिखा रहा है. तो output device allows to receive information from the computer. जो output device होते हैं वो हमें information receive करवाने के काम आते हैं computer से. Output may be printouts from the printer. Output क्या हो सकते हैं? Printer से अगर printout निकालते हैं तो printer से जो printout निकलता है that is also called output. Okay? Sounds from the speaker. Speaker पे अगर कोई भी sound play करते हैं तो speaker sound को play करता है, ठीक है? उसको शो करता है, उनको hear करने में help करता है. It's called also called output device. Okay? Just like sound for speakers, images on the monitor or projector. Projector पे और monitor पे जो हमें images show होती हैं, वो हमें show हो रही हैं. That is also called output device. Okay? So printer, speaker, monitor and projector. Those are called output devices. A monitor displays information on the screen. जो monitor है वो सारी information जो भी हम output input देते हैं, वो सारी information हमें monitor screen पे दिखाता है. That is called an output device. Speaker plays sound and music on the computer. जब भी हम computer में कोई भी sound या music play करते हैं, तो वो हमें speaker के through हमें hear होता है, हमें सुनाई देता है. That is called output device. Speaker and monitor. Okay? A printer is used to print text and pictures. Printer इसके लिए use होता है कोई भी text और pictures को print करने के लिए. Any text or picture printed on paper is called a hard copy of the text or picture. जितने भी pictures या text जो paper पर print होते हैं, ठीक है? That is called hard copy or text or pictures. A projector displays videos. Projector क्या करता है? हमें videos दिखाता है. Projector screen होती है, ऐसी white color की screen होती है. उस पे आपको जब कोई भी computer से उसके जरिए projector के जरिए कोई projector पे आप कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी show करवाते हैं, projector की इसलिए use आता है. जैसे ऐसे पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? हमें कुछ चीज देखनी है तो वो हम किस पे देख सकते हैं? बहुत बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्टर लगा के हम उसे इजीली देख सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग. ये प्रोजेक्टर डिस्प्लेस वीडियोस. प्रोजेक्टर वीडियो डिस्प्ले करवाता है, पिक्चर्स डिस्प्ले कराता है, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर कंप्यूटर डेटा ऑन अ बिग स्क्रीन. इन सारी चीजों को एक बिग स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है सो दैट मैनी पीपल कैन वॉच इट टुगेदर, जिससे कि बहुत सारे पीपल्स उसे एक साथ देख सकें, ठीक है? CPU. Next is CPU, Central Processing Unit. CPU stands for Central Processing Unit. It is neither an input or nor an output device. CPU ना तो input device है ना output device है. Why? Because it controls all the input and output device connected to it. क्योंकि ये जितने भी devices आपने देखा होगा सारे devices CPU से connected रहते हैं. Mouse का wire देखो,
कीबोर्ड से इनपुट भी लिया और सीपीयू माउस मॉनिटर को मॉनिटर से आउटपुट भी दिलवा रहा है, ठीक है। तो इसलिए सीपीयू को इनपुट डिवाइस में नहीं कह सकते और आउटपुट डिवाइस में नहीं कह सकते। फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट सीपीयू, फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, सेकेंड इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फोर्थ थर्ड इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भेजना है। अगर कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड है मींस
output, IPO cycle. Okay, so next point is storage devices. Storage devices are used to store data. Storage devices का use होता है data को store करने के लिए. We can store songs, pictures, games, movies and many more things on them. कि हम storage devices में songs, pictures, games, movies और भी बहुत सारी चीजें store करके रख सकते हैं. They are light and can be easily carried from one place to another. जो storage devices होते हैं उनको हम easily अपने साथ carry करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी place पर ले जा सकते हैं. These devices allow us to store and transfer data to and from a computer quickly. और ये जो devices हैं ये हमें क्या allow करते हैं कि हम इनको बहुत ही quickly एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर में या तो फिर जो डिवाइस है उसे कंप्यूटर में बहुत ही फास्टली बहुत ही क्विकली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. डिफरेंट टाइप के होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस सच एज कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड और डीवीडीज एंड पेन ड्राइव्स. ये क्या हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सीडी. सीडी तो हम अपने कंप्यूटर में या फिर अपने जो वीडियो रिकॉर्डर होता है, जो सीडी रिकॉर्डर जो होता है उसमें हम इजीली लगा के अपना या तो टीवी में देख लो या फिर कंप्यूटर में देख सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी वीडियो है. कॉम्पैक्ट डिस्क पॉपुलरली नोन एज सीडी, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी बोल सकते हैं, ठीक है. इट इज फ्लैट, ये बिल्कुल फ्लैट होती है, सर्कुलर पीस ऑफ प्लास्टिक, और सर्कुलर पीस होता है एकदम सर्कल टाइप का पीस होता है प्लास्टिक का, विद शाइनी सरफेस ऑन वन साइड, जिसके एक तरफ शाइनी सरफेस होता है. ए डिस्क ड्राइवर इन द कंप्यूटर इज नीडेड टू प्ले अ सीडी. जो डिस्क ड्राइव होती है कंप्यूटर में उसको प्ले करवाने के लिए हमें सीडी की जरूरत पड़ती है. जब हम सीडी को भी इंसर्ट करते हैं उसमें तो वो कहाँ मिलती है, आपको डिस्क ड्राइव में मिलती है, वहां से आप उसको प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी. ओके, द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डीवीडी इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ सीडी. ये डिजिटल डीवीडी जो होती है वो भी सेम एज इट इज सीडी की तरह दिखाई देती है, बट कैन स्टोर 6 times मोर डेटा देन अ सीडी. लेकिन इसमें स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो सीडी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है. हम जितना सीडी में स्टोर करते हैं उससे 6 times ज्यादा हम डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं अपना डेटा. ए डिस्क ड्राइव इन द कंप्यूटर इज नीडेड टू प्ले अ डीवीडी, और कंप्यूटर में डीवीडी को प्ले करने के लिए भी डिस्क ड्राइव की जरूरत पड़ती है, ठीक है. नेक्स्ट इज द पेन ड्राइव. पेन ड्राइव इज द लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस दैट इज इजी टू कैरी एंड यूज. पेन ड्राइव सबने देखी होगी, पेन ड्राइव जो होती है बहुत वो भी लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है, अभी यूनिक है, जो बहुत ही इजी होता है कहीं भी कैरी करने के लिए. इट इज स्मॉल इन साइज, साइज बहुत स्मॉल होता है, कैन फिट इन वन्स पॉकेट, और अपनी पॉकेट में भी ये इजीली कैरी हो सकता है. इट इज इंसर्टेड इन योर कंप्यूटर थ्रू अ यूएसबी पोर्ट, और इसको आप कंप्यूटर में कैसे इंसर्ट करोगे, थ्रू अ यूएसबी पोर्ट. यूएसबी पोर्ट लगे हुए होते हैं कंप्यूटर सीपीयू में, जिसके थ्रू आप उनको जो पेन ड्राइव है उसको आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, टू इंसर्ट ए सीडी और डीवीडी इन कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप्स. प्रेस द इजेक्ट बटन ऑफ द डिस्क ड्राइव टू ओपन. इजेक्ट बटन होता है जिससे आप जैसे इसको प्रेस करोगे डिस्क ड्राइव ओपन हो जाएगी. ओके, प्लेस द सीडी और डीवीडी इन द ट्रे. जो सीडी और डीवीडी उसको आप ट्रे में डाल दोगे. प्रेस द इजेक्ट बटन अगेन, वापस उस इजेक्ट बटन को अगेन करना है, या फिर आप उस ट्रे को हल्का सा पुश करोगे तो वो अपने आप बंद हो जाएंगे. ओके, टू इंसर्ट अ पेन ड्राइव इन अ कंप्यूटर. अब पेन ड्राइव कैसे इंसर्ट करेंगे, इसके लिए फाइंड अ यूएसबी पोर्ट टू इंसर्ट द पेन ड्राइव. सबसे पहले आपको जो सीपीयू है उसमें आपको यूएसबी पोर्ट फाइंड करना होगा, यूएसबी पोर्ट ना लगा होगा, जहाँ यूएसबी पोर्ट
इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो एक हमें ये बताता है कि कंप्यूटर को कैसे परफॉर्म कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करता है किसी भी टास्क को। यू कैन नॉट टच और फील सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को ना तो टच कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब्स टू सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software refers to the set of programs that helps to run a computer's hardware. जो system software होता है वो computer के जितने भी hardwares हैं उनको सबको proceed करने cover करता है, ठीक है। हम सबको computer में run कैसे करवाना है, मतलब कि हमें output मिलता है, बिना software के computer हमें output नहीं दे सकता है, ठीक है। Thus to make the hardware work we need to have system software in the computer. तो जो हार्डवेयर है उनको वर्क करवाने के लिए कि वो अपना काम करें, इसके लिए हमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही जरूरी है। The operating system is the most important part of system software. System software का most important part है operating system. Operating वर्क को उसको बहुत ही क्विकली करता है और ये अपना जो अपना टाइम
पता नहीं है, हम वर्क करते हुए थक जाते हैं, बट कंप्यूटर इज अ मशीन सो इट नेवर गेट्स टायर्ड. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट पॉइंट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर की जो जो उसमें गुण नहीं है वो क्या क्या है. डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, कि ये खुद अपने आप कुछ वर्क नहीं करता है. इसको वर्क करवाने के लिए हमेशा यूजर को इसको कमांड देनी पड़ती है कंप्यूटर को, जिससे कि वो वर्क कर सके. सेकेंड इज इट कैन स्टोर ऑनली लिमिटेड डाटा. ठीक है, सिर्फ ये जो लिमिटेड इसकी कैपेसिटी है सिर्फ उतना ही डेटा स्टोर कर सकता है, बाकी एक्स्ट्रा डेटा स्टोर नहीं कर सकता है. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई विल सेंड यू पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चन आंसर.